योग का अर्थ है मैं का बोध, अपने अस्तित्व का, अपनी निजता का बोध, अपने स्वरूप का बोध। मैं कौन हूं, यह प्रश्न हमारे सामने सदा रहता है और लगभग जीवन बीत जाता है यह प्रश्न अनुत्तरित सा रहता है। तो श्वासों के साथ मैं कौन हूं, मेरी निजता, मेरा स्वरूप, मेरी मूल प्रकृति, मेरी मूल पहचान क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान करते हैं। यही ध्यान है। श्वासों से यात्रा शुरू होती है और अपने स्वरूप तक हम पहुंचते हैं ध्यान करते हुए। ये शरीर जो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनका संघात है और इनका मूर्त रूप है। इन पंच तत्वों के पीछे, इस मूर्त के पीछे मैं अमूर्त हूं। दो सत्य हैं इस जगत में, एक मूर्त, मूर्त को ही प्रत्यक्ष भी कहते हैं, व्यक्त कहते हैं, दृश्य कहते हैं, सगुण साकार कहते हैं। इस मूर्त, दृश्य, व्यक्त, प्रत्यक्ष, ज्ञात, सगुण साकार के पीछे एक अदृश्य, अमूर्त, अव्यक्त, निर्गुण, निराकार सत्य, वह आत्मा है, वह परमात्मा है। दृश्य शरीर से परे और पंच कर्मेंद्रियों, पाणी, पाद, पायु, पस्तवाक, इन पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों, चक्षु, श्रोत्र, नेत्र, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा, रसना, इन पंच कर्मेंद्रियों से भी, पंच ज्ञानेंद्रियों से भी परे, पंच कर्मेंद्रियों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से पार अपना स्वरूप, अपनी निजता, अपनी पूर्णता, अपनी दिव्यता, अपने आत्मस्वरूप में और अपने इस परमात्मा स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में जीना, यही तो योग है, यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है, यही समाधान। तो श्वासों के साथ अपने स्वरूप में पहुंच जाना, प्राण माध्यम बनते हैं भीतर की यात्रा का। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा है और इसमें हम बाहर से भीतर की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ऐसी सांसों को माध्यम बनाकर के अपने स्वरूप का ध्यान करना, इसी को बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान और योग दर्शन में ध्यान योग, समाधि योग कहा जाता। ऐसे कुछ पलों तक रोज ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा का अंजन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना। ऐसे 5 मिनट ध्यान करना तो आपको इससे शांति मिलती है,
आजकल एक बहुत व्यापक शब्द बोला जाता है कि आदमी के पास बहुत कुछ है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो ये बड़ों के लिए मैंने ध्यान की पद्धति बताई, छोटे बच्चों को तो इतना ही बोले कि यहां आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान करें। याद रखना, ईसाई संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, या हिंदू जैन बौद्ध सिख आदि अलग अलग सांप्रदायिक परंपराएं हो, अलग अलग मजहब हो, सभी मानते हैं ईश्वर एक है, गॉड इज वन। अब ईश्वर बोला, गॉड बोला, खुदा बोला, तो ये तो खाली लफ्जों का अंतर हुआ, शब्दों का अंतर हुआ। वाटर बोलो, नीर बोलो, तोय बोलो, आप बोलो, आप बोलो, पानी बोलो, जलम बोलो, क्या फर्क पड़ा? तत्व का फर्क नहीं पड़ा, शब्द का भेद हुआ। तो जुबान अलग अलग है, उर्दू में बोले तो जुबान अलग अलग है, परमात्मा तत्व तो एक ही है। तो बचपन में बच्चों को खाली इतना ही करें कि ओंकार का यहां ध्यान करें और ओम इमेजिनेशन। तो ऐसे ही जब ध्यान करते हैं तो अपने आप यहां एक रोशनी सी दिखती है, जब भ्रामरी करते हैं तो रोशनी और प्रकट हो जाती है। तो ऐसे जैसे सूर्योदय होता है ऐसे दिखने लगती है। तो उपाय है ध्यान के बहुत से, एक मिनट किसी को जोर से भस्त्रिका करवा दो ऐसे, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी, उनको तेजी से नहीं करना होता, तेजी से कपाल भाती करा दो, तेजी से अनुलोम विलोम करवा दो, तो एक ही मिनट में हम मन के पार चले जाते हैं, मन के भी परे कुछ है। अच्छा, रात को जब सोते हो और गाढ़ निद्रा होती है, साउंड स्लिप, एकदम आप गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, कोई स्वप्न भी नहीं होता है, तब ना आप स्त्री होते हो ना पुरुष होते हो, न बच्चे होते हो, न जवान, न बुजुर्ग होते हो, न धनवान होते हो, न निर्धन, न बलवान, न कमजोर, तब आप क्या होते हो? जब आप सोते हो तब आप क्या होते हो? क्या होते हो? कहां होते हो? अरे सोते तो हो ना, नींद आती है ना। हमने सुना है दिल्ली के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो आज जो है परीक्षा हो जाए। जब रात को सोते हो और कोई स्वप्न नहीं होता है तब आप क्या होते हो? योग निद्रा में होते हैं। योग निद्रा में, निद्रा में क्या होते हो? कुछ पता कुछ नहीं, पता नहीं लगता। नींद कब आती है आपको पता है? जब हम थके होते हैं। किसी को पूछो कि आपको नींद कब आती है, यदि वो बताता है तो इसका मतलब उसको नींद उस समय आई नहीं थी, अंदाज लगा सकते हैं कि तब नींद आ गई थी। अच्छा, नींद आने के बाद आप क्या होते हो आपको पता ही नहीं है, अज्ञात है। फिर कहां होते हो? मतलब आप निद्रा में आपके सांस चल रहे होते हैं कि नहीं? सांस चल रहे होते हैं। और आंखें देख रही होती हैं? नहीं। कान सुन रहे होते हैं? कभी कभी। कभी कभी। इसके तो सोते समय भी इसको सुनाई देता है भाई। आप जब सो जाते हो तब आप बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। और कभी कभी तो बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, सोते समय कोई चलते हैं कि नहीं चलते? कुछ लोग चलते भी हैं।
सोते समय कोई कोई बोलता भी है, लेकिन सोते समय कोई देखता है या हमने हमको नहीं पता लगा। अब वो चलते हैं ना, वो पता नहीं सपने में ही चलते हैं वो, मतलब वो ऐसे रियली उनको मतलब जो भी प्रैक्टिस हो जाती होगी, लेकिन आंखें होते हुए भी हम देखते नहीं है, कान होते हुए भी हम सुनते। जब जोर की आवाज हो जाएगी तो नींद खुल जाएगी आपकी, तब उसके बाद सुनाई देगा कि क्या हो रहा था। और या फिर वो अर्ध निद्रा में कुछ कुछ सुनाई देता है, उसको निद्रा नहीं कह सकते, है ना, उसको स्वप्न कहते हैं या जो है ऐसी तंद्रा कहते हैं, निद्रा में नहीं। तो जब आप सो जाते हैं तब आप सुखी होते हैं, बहुत गहरी नींद आए तब सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सुखी। सुखी होते हैं, चलो इनको दो जी। तो जब सुखी होते हैं तब उस समय पैसे का सुख होता है या पत्नी का सुख होता है या बच्चों का सुख होता है या पावर का, प्रॉस्पेरिटी का, यही तो सुख माने जाते हैं ना संसार में। सत्ता का एक सुख होता है, संपत्ति का एक सुख होता है, सम्मान का एक सुख होता है, इंद्रियों का सुख होता है, कुछ खाने पीने को मिल जाए है? और कुछ पीने वाले तो कुछ और भी पी लेते हैं, ऐसे आप लोग शायद नहीं पीते हैं तो खैर ऐसे संबंधों का सुख होता है, संबंधों का। तो आप जब रात को सोते हो तो इनमें से कौन सी चीज होती है? इनमें से कोई सा सुख नहीं होता, न सत्ता, न संपत्ति, न सम्मान, न भौतिक सुख, न संबंध, न कोई ऐश्वर्य, कोई सुख नहीं। फिर कौन सा सुख होता है? इनमें से कोई सा सुख नहीं होता। तो कौन सा होता है? बस देही सुख है ये, बस अवचेतन अवस्था के अंदर जब है? बोलो बोलो। सोने के वक्त अवचेतन अवस्था जो हो जाती है हमारी, कि सभी इनसे कोई अलग सुख है, बस इतना ही पता लगता है शुरू में तो जी। इसका मतलब ये सुख कहीं बाहर है या अपने भीतर है? अपने भीतर। वो भीतर में कहां से आता है आप बताओ साहब? ये जो भीतर से सुख आता है, जब सो गए तब कुछ नहीं है। अब अभी देखो मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं कि आप ज्यादातर लोग ये मानते हैं सुख तो सत्ता में है, सुख तो संपत्ति में है, सुख तो सम्मान में है, सुख तो समृद्धि में और भौतिक ऐश्वर्यों में है, संबंधों में है। हमको ऐसा लगता है कि तुम बिना तो मैं अधूरा था। पत्नी को समझता है, पत्नी समझती है कि पति ने, पति समझता है कि पत्नी ने, पति पत्नी समझते हैं कि बच्चों ने हमको पूरा कर दिया, तुम बिना तो हम अधूरे अधूरे थे। तो ये जो हम में जो ये सुख आता है अंदर से, ये कहा मतलब यहाँ आता, दिमाग से आता है कि दिल से आता है कि हाथों पैरों से आता है कि पेट से आता है, कौन सी जगह से आता है? दिल से। इधर से आता है कि इधर से? दिल से। आपने बताया इधर से आता है, उसने पीछे वाले ने बताया सबसे पहले जब हम चेतन अचेतन, जो हमारा मस्तिष्क होता है, सबसे पहले रेस्ट मिलता है हमारे मस्तिष्क को, उसके बाद मिलता है हमारे शरीर को, और वो सबसे बड़ा सुख होता है जब हमारा मस्तिष्क ब्रेन रेस्ट पोजिशन में पहुंचता है। और ब्रेन रेस्ट पोजिशन में होगा तो हमारे बाकी सारा शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, सेल्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको भी एक रिलैक्सेशन, मस्कुलर और अदर्स। यदि अब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ना यहां से सुख आता है ना यहां से, जब ये चलते रहते हैं दोनों, आपका ब्रेन डेड नहीं होता है सोते समय, हार्ट डेड नहीं होता है, ये फिर कैसे काम करता है? इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। एक होता है वॉलेंट्री सिस्टम, हम अब चाह करके अब सोच रहे हैं तो हमारा दिमाग काम कर रहा है, मैं सबको देख पा रहा हूं जो मेरे सामने है, और सामने वालों को ही नहीं देख पा रहा, मेरे जो साइड में खड़े मैं इनको भी देख पा रहा हूं, और थोड़ा सा नजर घुमाता हूं तो मुझे पीछे वाले ऊपर बैठे वो भी दिखते हैं, और कुछ भी हलचल होती है तो मैं चारों तरफ से रियलाइज कर सकता हूं, इस समय मेरा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, मैं बहुत सी चीजों को अनुभव कर सकता हूं, गंध को भी अनुभव कर सकता हूं, बहुत सी चीजों को। तो आपको मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, जरा और सोचो कि मन ने बुद्धि ने दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, स्मृति के भी पार चले गए आप, और थॉट्स इमोशंस पैदा होते हैं, उनकी यहां फीलिंग होती है आपकी खाली, हार्ट में तो खाली पल्पिटेशन होता है। ये जो लोग कहते हैं ना
मैं दिल से प्यार करता हूं आपको। दरअसल दिल में प्यार करने वाली कोई चीज ही नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, मैंने एक से पूछा, भाई तुमने इससे प्यार क्यों कर लिया, इसमें क्या था ऐसा, ये तो कोई प्यार करने वाली कोई चीज ही नहीं है। बोले जी दिल ना, दिल के आंखें नहीं हो तो मेरे को ऊपर तो दे रखी थी। अरे दिल को नहीं तो ऊपर वाली से तो दे। अच्छा हम बोल देते हैं कि हम दिल से प्यार करते हैं, दरअसल सारे इमोशंस ब्रेन से पैदा होते हैं। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, ये तीन ही लाइफ है। खैर, तो सुखी तब होते हैं जब दिल और दिमाग, आप कहने के शब्द हैं ये दो, दिल और दिमाग के परे चले जाते हैं। उसको योग का एक सूत्र है, बोलिए योगश, बोलो योगश, चित्त चिंत वृत्ति वृत्ति निरोधः निरोधः। तो चलो अब एक बात ये समझ में आई, जब हम मन के पार चले जाते हैं तब हम सुख